हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो सबसे पहले तो ये आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है एंड मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बाहर जा चुकी हैं यूएसए फॉर हायर स्टडीज एंड सो मेरी मदर इन लॉ लो भी फील कर रही हैं एंड आई वांट कि मैं उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज प्लान करूं, कुछ अच्छा सा हो जिससे उनका मन भी थोड़ा अच्छा हो जाए। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कुकर ले लिया है। मैं पिछली बार जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं अपनी पूरी जो हमारी किचन है उसका व्यू दिखाऊं, तो डेफिनेटली वो भी दिखाऊंगी। पर आज जो मैं पाव भाजी बना रही हूँ ना, ये बहुत थोड़ी हेल्दी तरीके की बना रही हूँ मैं। ये नहीं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें ऐड नहीं करने वाली। मैं ये यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। मैं प्याज को पीसने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे हम जो प्याज पीसते हैं या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, टमाटर हुआ, हरी मिर्च हुआ, अदरक हुआ, अगर सब्जी में डालने हैं तो हम ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। बहुत जल्दी, जस्ट 2 मिनट में हो जाता है और जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो यस, मैं ये अभी जल्दी से करने वाली हूँ अपनी प्याज को 2 मिनट में। उसके बाद मैं अब चिमनी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ पे शीरा, थोड़ा सा अदरक। मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी डालने वाली हूँ। मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे टमाटर। अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है आपको। मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक। पर पाव भाजी ऐसी, मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आती है। तो मैंने 4 से 5 आलू डाले थे। इसके साथ साथ मैं इसमें डालने वाली हूँ ये शिमला मिर्च जो कि ऑलरेडी कटी हुई है। मैं यहाँ पे डाली हूँ बीन्स, तो मैंने यहाँ पे लौकी भी डाल दी है। डालने वाली हूँ ये कटोरा। मीठे में हम लोग जो आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं केक एंड कोई आया है। तो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि मेरी माँ की एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो कि स्कूल में पढ़ाते थे, रंजना मैम, जिन्हें मैं मासी बुलाती हूँ, वो बिफोर टाइम आ चुकी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। रंजना मासी की जो आदत है ना, मतलब लाइक आप हंसते रहोगे उनके साथ, वो आ रही है। प्यारी जो बेटी मिली है। सो वो बहुत बहुत क्यूट है। हाय। सो अभी हम लोग केक वगैरह सब काटेंगे, फिलहाल हम जाते हैं माँ के रूम में। आ जाओ। क्या बना डाल रही हूँ भाई? पाव भाजी एंड पिज्जा। तो एक तरफ हम मैं रखने वाली हूँ चाय बनने के लिए। मैं ना चाय में भी ना अदरक घिस के डालती हूँ। मैंने ना ये आपने देखा होगा, ये छोटी छोटी सी सोयाबीन होती है, ये वाली दिखा देती हूँ आपको। ये वाली जो सोयाबीन होती है बहुत छोटी छोटी सी होती है। इसकी टेस्ट की चाट और मैं आज ये भी बनाने वाली हूँ, बहुत हेल्दी होती है। मैं इस चाट को बनाने के लिए क्या करने वाली हूँ, इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और खीरे के छोटे छोटे स्लाइसेस डालने वाली हूँ और नमक डाल के, काला नमक डाल के सुबह से नीचे नीचे चढ़ने वाली हूँ। चाट मसाला बहुत टेस्टी आती है। एकदम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। एज यू कैन सी, टमाटर, प्याज, खीरे, ये सब पड़ा हुआ है इसमें और टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। अब पूछते हैं मेरी चाट के बारे में। मासी, कैसी है चाट? बहुत अच्छी। बहुत टेस्टी है ये। और मैंने जो बोला था कि
गिफ्ट जो है मैंने जो माँ को सरप्राइज दिया है, आप ऊपर जो पेंटिंग देख रहे हैं ये मैंने माँ के लिए बनवाई थी। कर लिए हैं कपड़े चेंज और अभी हम लोग करने वाले हैं, पापा का वेट कर रहे हैं, उसके बाद केक कटेंगे। और अब हमने बहुत टेस्टी सा पिज्ज़ा, हमने नहीं लक्ष्य ने बनाया है, एज़ यू कैन सी देखने में इतना टेम्पटिंग है। और टुक्कू भी मांग रही है, क्या चाहिए टुक्कू? पिज्ज़ा चाहिए, यस। और अब हम लोग करने वाले हैं अपना पिज्ज़ा इंजॉय और उसके बाद पाव भाजी, उसके बाद केक कटिंग और फिर ब्लॉग खत्म। यस श्योर। सो ये ईशु ने भेजा है एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट, लोग कर नहीं पाते। ये है इशिता का गिफ्ट जो उसने आपके लिए भेजा है, प्लांट है। और ये भी भेजा है, खोलो उसको, क्या लिखा है? डियर मॉम, दिस इज योर फर्स्ट बर्थडे विदाउट मी। रो ये नहीं, वो बेटी है ना, इतनी प्यारी। डोंट वरी, जस्ट गिव मी अ वीडियो कॉल। ऑल आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ यू, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ मदर लाइक यू। आई लव यू टू द बोन एंड बैक मॉम, लॉट्स ऑफ लव यू। और दूसरे में क्या है? वो तो कार्ड है। स्पेशल ग्रीटिंग इज बीइंग सेंट योर वे विद मेनी हैप्पी विशेस फॉर अ ट्रूली परफेक्ट डे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। एक का है? हाँ, एक है। हाँ तो फिर तो खा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी नहीं खाती है? नहीं, केक फ्रेश रहता है वैसे इसका। क्या भेजना मैम? आप खाओ, मैं नहीं खा सकती केक। केक हाँ मैं खिला सकती हूँ, मैं एग नहीं खा सकती। पहले थोड़ा सा खाना, ये है मेरे साइड से और ये इशू के साइड से। यस, हैप्पी बर्थडे। खिला रही है रंजना मौसी को केक। माँ टुकू को तो रह गया, टुकू टुकू केक खा रही है। भाई टुकू कैसे पीछे रह जाएगी, खाती है। चटकारे ले लेके चट चट, तो कैसे खा रही है। चलो सो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, भाजी खाने। यस, ये देखिए दो दो को खमरिया खाना बनाते हुए गंजन पावा जी बना रही हैं। लक्ष्य भाजी बना चुकी हूँ मैं और अब ये लक्ष्य पिज्जा बना रहा है। ये गंजन, ये रही हमारी डाइनिंग टेबल, ये लगा चुकी हूँ। तो हमारा पिज्जा भी हो चुका है एकदम रेडी।
अब ये रहा है कट, बहुत टेस्टी पिज्जा। बहुत सुंदर देखने में लग रहा है, है ना? ये ऐसे टाटा बाय बाय। थैंक यू गुंजन, सच अ ब्यूटीफुल बर्थडे ट्रीट एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव मेड। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, वेलकम।